महीने मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खतरे में है, हमने कहा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आपने वो वीडियो देखा क्या, लास्ट के ऊपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ? आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। सी आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे। समझ रहे हैं अंग्रेजी का वो फ्रेज है, डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है? आपका ऊपर को, आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। There is no, but yes, yes, I am not Prime Minister. I will take your question. Don't worry. Democracy. हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा। हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं? BCCI थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है, और हम यही कहते हैं इतिहास का को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है, इतिहास कोई कागज पर लिखे हुए शब्द होते हैं कि आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा? एक बड़ा पॉपुलर डिबेट है मीडियम और मींस का, हैं, साध और साधन का, हिंसा और अहिंसा का। तो मैं आपके सामने इस सदन के समक्ष यह बात कहता हूं, जब भगत सिंह कहते हैं कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं ला सकता है, मतलब भगत सिंह हिंसा का निषेध कर रहे हैं, वायलेंस को निगेट कर रहे हैं। और जब बापू कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो, मतलब वो व्यक्ति के ऊपर होने वाली हिंसा को स्वीकार कर रहे हैं और अहिंसा को निगेट कर रहे हैं। देश की अर्जेंसी क्या है इस बात को समझिए, और देश की अर्जेंसी यह है कि आप पैदा कहीं भी हुए हों, अगर गांव में आग लगी है आप अपने दरवाजे के बाहर डंडा लेकर के गेटकीपर बनकर के खड़ा हो जाएंगे कि घुसने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे, तो आपका घर भी नहीं बचेगा, बेडरूम भी नहीं बचेगा। इसलिए समझदारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है, आपसी जो वैचारिक मतभेद है, उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकट्ठा होइए, क्योंकि ये देश हम सबका है। इसीलिए लेफ्ट राइट का जो क्वेश्चन है ना, वो अप्रासंगिक इसलिए हो गया है कि आज आपको वैसे आदमी के साथ सामना करना पड़ रहा है जो हमारे जमाने का गोविंदा है, ड्रेस बदलते रहता है। विपक्ष का चेहरा तो मीडिया भी होना चाहिए, विपक्ष का चेहरा वो तमाम लोग होना चाहिए जो आइडिया ऑफ इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पीरियड। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।